तो आइए देखिएगा, तो हम लोग जो है इस समय नीट के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं और जेई मेंस एडवांस के मेंस के कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है सीबीएसई बोर्ड के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग ये तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा नीट का क्वेश्चन क्या है, नीट का है नीट 2017 फिजिक्स का, 17 में आया हुआ है फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो नीट का है 2017 क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना कैसे कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली वन ऑफ द माइनस ई एंड अदर ई प्लस डेली। क्या बोला है कि सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफर कैसे है, एक जो है माइनस ई है और दूसरा अदर क्या है ई प्लस डेली है, स्लाइटली थोड़ा सा जो है ज़्यादा। इफ़ नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। क्या बोला है, इफ़ नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस एट अ डिस्टेंस डी मच क्लोजर टू एटॉमिक साइज से कम रखे हैं पास में, अ पार्ट इज जीरो, जिसको जीरो ही मान सकते, देन डेल ई इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ गिवन मास ऑफ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मास, तो डेल ई का क्या ऑर्डर होगा, मतलब डेल ई का ऑर्डर बताना किस ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले एक वर्ड दिया है, इसको पकड़िएगा, पकड़ना ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बिटवीन टू हाइड्रो एटम एट डिस्टेंस क्या होगा, बहुत पास पास, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, यहाँ पे होता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4πε0 और यहाँ की जब Q1 Q2 फार्मूला लिखते हैं अपन, यहाँ d डिस्टेंस दिया तो वही लेंगे d² = G और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है g और यहाँ कितना होगा mh यहाँ पे अपान d², तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या होता है, इक्वल होता है यहाँ इस फॉर्मूले में। तो अगर हम इसको इससे यहाँ से कैंसिल कर दें और हमें इसकी वैल्यू अब रिप्लेस करनी, इसकी जगह हम ई प्लस डेल ई लिखेंगे दो बार, या तो ई और ई लिखेंगे, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, कोई एक लिखेंगे। तो डेल ई के टर्म में पूछा तो यही लिखते, डेल Q1 Q2 की वैल्यू डेल ई करके स्क्वायर कर देंगे तो इक्वल टू, देखिएगा ये हमारा जो है डिवाइड में जाएगा एक तरह से, अगर हम इसको ऊपर कर दें तो देखिएगा तो ये हो गया जी एम एच एच स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अपान जो है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो यहाँ 1/4 कितना हो जाएगा 4πε0, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए g की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ होती है, g की वैल्यू है कितनी होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ और एम एच की वैल्यू देखिए रख दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 1.67 × 10⁻³¹ और उसका स्क्वायर है क्योंकि एम एच स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू हमारी 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9×10⁻¹⁻ कितनी होती है 9 होती है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो चलिए नीचे लाइन में थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग इसको, तो 1.67 × 1.67 और अपान यहाँ हो गया कितना 9, इसको एक साथ लिख के पावर को एक साथ, पावर में देखिए कितना होगा 31 ये है 31 ये हो गया, डबल करेंगे कितना होगा 62 हो जाएगा माइनस में और उसमें और माइनस 11 हो गया कितना 62 − 11 करेंगे कितना होगा 73 हो गया, 73 में से ये 9 सबट्रैक्ट कर देना, देखिए 73 में से ये 9 ले जाके सबट्रैक्ट कर देंगे कितना होगा हमारा, कितना देखिएगा ये हमारा हो गया 62 और ये हो गया हमारा तो 73 में से, अच्छा ये भी जाकर उसी में जुड़ जाएगा नीचे से तो ये भी ऐड हो गया तो कितना हो गया 82 हो जाएगा लगभग ना, देखिए 9 और 10 हो गया तो 82 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं
10 की पावर माइनस 82 देखेगा, ये है हमारा फॉर्मूला। और ऑप्शन आप देखेंगे 10 पावर माइनस 20, 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 23, 10 पावर माइनस 37 और 47। अब देखिएगा इसको हमें इतना तो आ गया, अब हमका इसका स्क्वायर रूट लेना है। देखिए अगर स्क्वायर रूट लेंगे, मान लीजिए ऐसे समझिए ये 82 है और ये ऊपर ज़्यादा बड़ा है, मतलब 6 ये है, मतलब 9 से बड़ा आएगा। इसका मतलब पहली डिजिट हमारी क्या होगी, 9 से बड़ा होगी। तो इसका मतलब पहली डिजिट हमारी हो जाएगी 9 से बड़ा है छोटा, ये चेक करना है। तो मान के चलिए 82 हमारा होगा, तो अगर ये ए दो अंक में अगर आ गया तो एक यहाँ से कम होगा, मान ले 81, मान ले अगर 81 हो गया तो 80 या 81 का हाफ कितना होगा, इसका हाफ अगर हम करेंगे तो 40 आएगा। तो 40 के रेंज में कोई दिख रहा है नहीं, 47 है, ये ज़्यादा है, मतलब हम लोग का जो वैल्यू आएगा यही हो सकता है इसमें। अब कैलकुलेशन, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तब, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट लेना है इसका ना, तो देखिएगा थोड़ा सा। चलिए हम एग्जैक्टली तो नहीं, थोड़ा सा करते हैं। 1.67 इंटू 1.67 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले आपके सामने, का आपको समझ में आता रहे। 7 जब 49, 4 यहाँ आ गया, 76 जब 42, 42 और 42 और 4 आठ 46 हो जाएगा, 4 यहाँ होगा, 7 और 4 कितना 11 हो गया, फिर 67 जब 42 आ गया और 4 आ गया 6, 36 40 हो गया, 4 कैरी हो गया और 6 10 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 761 हो गया, इसको ऐड करिए 9 8 और 8 और यहाँ पे 7 और ये 2, इतना हो गया ना। अब उसके बाद देखिए हमको अब किससे करना है, 667 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए पता तो चल जाएगा क्लियर क्या है। अगर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मान चलिए हमारा हो जाएगा 9 6 63 का 3 6 कैरी हो गया, 9 8 7 जा 56 में सी एस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 62 का टी 6 कैरी हो जाएगा, 8 7 या 56 हो जाएगा और 6 कैरी हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 2 हो गया, 6 फिर से कैरी हो गया और 6 7 7 या 49 हो जाएगा, 55 का 5 कैरी और 7 2 या 14 और ये हो गया हमारा 19। आगे फिर लीजिए 6 से करिए, अब 9 6 जा कितना होगा 54 का 4 और यहाँ 5 कैरी, उसके बाद कितना हो गया 9 6 जा 54 9 6 54 हो गया, 54 4 5 कैरी और 8 6 48 48 में क्या 5 कैरी ऐड कर लेना है, कितना होगा 53 हो गया, 53 का 3 और उसके बाद 5 कैरी हो गया और फिर से कितना हो गया 48 फिर कितना 53 हो जाएगा और फिर से 5 कैरी आ गया, 742 हो गया, 42 और ये 42 के बाद 47 हो जाएगा, 4 कैरी आ गया, 6 2 जा 6 12 और ये हो गया 16 और आगे सेम है, इसके लिए रिपीट का मार दीजिए 4 3 3 7 6 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 आ गया 6 आ गया और ये हमारा हो गया कितना 7 और ये 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो जाए कितना 11 आ गया और यहाँ पर हो गया कितना 10 और ये 20 आ गया, 2 कैरी आ गया और यहाँ से 14 और 19 हो गया, 1 कैरी आ गया और 1 7 1 8 हो गया और यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब हमारा डेसिमल कितने पे है, 6 पे, 2 2 दो यहाँ, 2 4 2 6, इसका मतलब आ गया 18 पॉइंट, ठीक है 18 पॉइंट समथिंग आ गया। आप 18 का स्क्वायर रूट अब चलिए पकड़ते, 18 का लगभग 18 की जगह हम 19 भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 18.9 है ना, तो हम ले चलिए 19 ले लिया, मान लीजिए इसका 19 में 19 के स्क्वायर रूट आप देखेंगे 4 का 16 हो जाता है मान लीजिए, ठीक है कितना होगा 4 का 16 5 का 25, तो 4 के करीब आएगा, मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग मान के चलिए, 4 चौक 16 हो गया, 16 के बाद आपका ये मान के, अब इसका भी डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, चलिए देख लेते हैं। 19 का हम लोग कर दिए, 4 से ले जाएंगे, 4 4 जा 16 हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 8 आ जाएगा, 16 का मतलब 3 बच गया, 2 पेयर उतार लेना है और यहाँ पे आगे पॉइंट लगा देना है कितनी बार जा सकता है, तो 1 जा लेंगे 8 3 24, तो ये हमारा आगे कितना। अब हम इसको आगे लिखते हैं, देखिए इधर लिखते हैं इस तरफ, इसके बाद हमने इधर ले लिया मान ली,
तो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ठीक है, कितना आया स्क्वायर रूट लेने के बाद, मतलब हमारे आ गया ई प्लस डेल ई, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट हटाने दिया, और यहाँ कितना आएगा देखिएगा, तो ऊपर आ गया 4.3 और नीचे आ गया 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल गया ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो ये करेक्ट हमारा कितना होगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। और आर्डर कितना है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारा कितना हो गया, तो 6.67 टू 10^-11 और यहाँ पे 31 ये है केजी में सही है। उसके बाद यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 भी ऐड हो गया, एक बार चेक कर लीजिए कहीं से कुछ गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर हो गया ये 62 हो गया, और ये 11 हो गया हमारा, 73 हो गया, 73 में 9 ऐड कर दिया तो 82 आ गया, सही 82 आ गया। तो ये मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू इधर खिसका देंगे, डिवाइड करेंगे तो वंजा जाएगा, मान लीजिए वंजा चला गया, पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारा मान के चलिए कितना आ रहा है, तो कितना वंजा आ गया, फिर 1 आ गया, तो 4 हो गया 1.4 मान लीजिए, इंटू 10^-, कितना हो गया 41 हो गया। पर अगर हम लोग इसको क्या करते, देखिए यहाँ पे पावर देखिए, आप ऐसे समझिए ना, यहाँ पे 47 है, ये तो मैच ही नहीं कर सकता, तो करेगा हम लोग का कौन सा, तो 37 वाला करेगा, वो अलग बात इधर कर देंगे। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी वाले के साथ जाएंगे, कभी कभी अप्रॉक्स में ऐसे आ जाता है। तो 41 आ रहा है, तो ये ज़्यादा है, तो हम लोग का 37, क्योंकि वैल्यू हम लोग इधर कर देंगे 37 आ जाएगा, पर अप्रॉक्स में हमको क्या करना है, यही 37 मानना है, इसका मतलब 37 वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप देख ले 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए तब, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समय कहीं छूटा नहीं है ना, तो इस तरीके से अगर हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन, तो इस तरीके का वैल्यू हम लोग लेंगे, तो ये हमारा आंसर जाएगा। अगर यहीं पे हमारा क्या होता, ये बुक में दिया है, किसी किसी बुक में यहाँ जानते हैं 20, यहाँ पर जैसे यहाँ 31, किसी किसी बुक में है 27 दे रखा है यहाँ पर, अगर ये 27 होगा तो करेक्ट हम लोग का जो है 37 यहाँ पर आ जाएगा तब, ठीक है ना। तो पर हम लोग फिर भी हमारा 47 जो है ज़्यादा है, तो 37 वाला यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, 37 होगा। तो इस तरीके से आर्डर होगा, आप सॉल्व करेंगे निकल जाएगा, जैसा ये वैल्यू दिया होगा उसके हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम उसके हिसाब से करते हैं, जो वैल्यू जैसा दिया होगा वैसा करा जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी ऑप्शन क्या होगा, लगभग में हम लोग इसी के साथ जाएंगे, 37 का, इसके साथ नहीं, ठीक है ना, तो कम वाले लेना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए।